चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि आपका दिया हुआ एक लाइक और एक सब्सक्राइब मुझे आपके लिए नई वीडियो लाने के लिए बहुत मोटिवेट करता है। दोस्तों आज शुरू करते हैं सीक्रेट 7 का एपिसोड 7। लेफ्ट ऑयल क्लब प्रोजेक्ट के लिए एक आइडिया लाता है कि हम पुराने गानों पर एक लड़की का 7 लड़कों के साथ रोमांस दिखाएंगे। स्पॉयल आइडिया को सुनकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मैं वह लड़की बनना चाहती हूँ। लेफ्ट ऑयल कहता है नहीं, पैनलो वह लड़की बनेगी, पर पैनलो मना कर देती है। लेफ्ट ऑयल क्लब रूम में जाकर सबसे वीडियो के बारे में बात करता है, पर एड हिस्सा लेने से मना कर देता है। पर एलन कहता है कि यह एक सोशल वर्क है तो मैं तुम्हारी मदद करूंगा। जेन कहता है मैं भी तुम्हारे साथ हूँ। पोक कहता है मैं भी वीडियो बनाने में तुम्हारी मदद करूंगा। प्ले भी तैयार हो जाता है। प्ले पूछता है कि मुझे क्या पेनलुंग के साथ रोमांस करना होगा, पर लेफ्ट ऑयल कहता है नहीं, स्पॉयल के साथ। और स्पॉयल को सोचकर प्ले दुखी हो जाता है और सब उस पे हंसने लगते हैं। अगले दिन वीडियो की शूटिंग के लिए लेफ्ट ऑयल सबको पार्क में लेकर जाता है। पेनलुंग कैमरे से शूट कर रही थी, पर तभी स्पॉयल और लेफ्ट ऑयल में लड़ाई हो जाती है। लेफ्ट ऑयल स्पॉयल को चश्मा हटाने के लिए कह रहा था। स्पॉयल का चश्मा हटते ही लेफ्ट ऑयल देखता है कि उसकी आंखों में कुछ परेशानी हो गई है। लेफ्ट ऑयल स्पॉयल को कहता है कि अब तुम मेन एक्ट्रेस नहीं बन सकती, और पेनलुंग को एक्टिंग करने के लिए कहता है, पर पेनलुंग अब भी मना कर देती है। स्पॉयल और लेफ्ट ऑयल पेनलुंग को एक्टिंग करने के लिए मनाने की कोशिश करते हैं, पर वह नहीं मान रही। पेनलुंग कहती है तुम मेरी जगह गोस्ट लड़की से एक्टिंग करा सकते हो। लेफ्ट ऑयल गोस्ट लड़की को देखता है जो सीन के लिए पाउडर उड़ा रही थी। तभी वहाँ जेंट अपने सीन के लिए पार्क में आ जाता है। लेफ्ट ऑयल और स्पॉयल जेंट को पेनलुंग को एक्टिंग करने के लिए मनाने को कहते हैं। जेंट पेनलुंग को समझाता है कि लेफ्ट ऑयल बहुत मेहनत कर रहा है, तुम्हें लेफ्ट ऑयल के लिए एक्टिंग कर लेनी चाहिए, और पेनलुंग मान जाती है। जेंट के रोमांटिक सीन में जेंट पेनलुंग के चेहरे को हाथ लगाता है, और एलन के सीन में वह पेनलुंग के हाथ पर किस करता है, और पोक के सीन में पेनलुंग पोक को पीछे से पकड़ती है। प्ले पेनलुंग को कहता है कि मैं खुश हूँ कि मुझे स्पॉयल के साथ कोई रोमांटिक सीन नहीं करना है, और प्ले के सीन में प्ले पेनलुंग के लिए गिटार बजाता है। लेफ्ट ऑयल के रोमांटिक सीन में लेफ्ट ऑयल और पेनलुंग एक साथ बैठकर अपने हाथों से कुछ स्टेप करते हैं। लेफ्ट ऑयल पेनलुंग के करीब जाने की कोशिश करता है, और पेनलुंग लेफ्ट ऑयल का धक्का मारती है। लेफ्ट ऑयल पेनलुंग को कहता है कि मैं चाहता था कि हमारा सीन सबसे रोमांटिक लगे। पेनलुंग लेफ्ट ऑयल की बात मान जाती है और उसे अपने करीब आने देती है। नियो के सीन में पेनलुंग और नियो स्केटिंग करते हैं। पेनलुंग स्केटिंग करते हुए गिरने ही वाली थी कि तभी नियो पेनलुंग को गिरने से बचा लेता है। एड सीन के लिए पार्क में आता है, और पेनलुंग और एड की लड़ाई हो जाती है। स्पॉयल दोनों को लड़ने से रोकती है और एक्टिंग के लिए बुलाने के लिए आती है। एड के सीन में पेनलुंग और एड डांस स्टेप करते हैं। शूटिंग खत्म होने के बाद स्पॉयल पेनलुंग के पास जाकर कहती है कि मुझे तुमसे बहुत जेलसी हो रही है, क्योंकि आज तुम्हें 7 लड़कों के साथ रोमांस करने को मिला, और मैं जल्दी से स्माइली बियर के बारे में भी जानना चाहती हूँ। पेनलुंग कहती है मुझे किसी स्माइली बियर के बारे में नहीं जानना। स्पॉयल कहती है पेनलुंग तुम ऐसे हार नहीं मान सकती। पेनलुंग कहती है मेरा दिल टूट चुका है। स्पॉयल कहती है पर तुम्हारे दिल को टूटने के लिए पहले किसी से प्यार होना चाहिए, लेकिन तुम तो स्माइली बियर के बारे में जानती ही नहीं। पेनलुंग मुझे तुम सच में बताओ, क्या तुम 7 लड़कों को पसंद करती हो? पेनलुंग कहती है मैं किसी को पसंद नहीं करती, तुम सब मुझे अकेला छोड़ दो। अगले सुबह पेनलुंग मिस्टर नंबर 11 के साथ यूनिवर्सिटी के लिए जाती है। यूनिवर्सिटी के रास्ते में पेनलुंग की बाइक टैक्सी के सामने अचानक कार आ जाती है, और बाइक अचानक रुकने से पेनलुंग बाइक से सड़क पर गिर जाती है। पेनलुंग देखती है कि गन ने उसे गिरते हुए देख लिया। गन पेनलुंग के साथ बैठकर उसकी चोट देखता है। पेनलुंग के पास तभी उसकी मोम का फोन आता है और उसकी चोट के बारे में पूछती है। पेनलुंग बताती है कि वह बिल्कुल ठीक है। गन पेनलुंग की चोट के लिए बैंडेज करता है और पेनलुंग को कहता है कि मैं तुम्हें अपनी कार से यूनिवर्सिटी छोड़ दूंगा, और पेनलुंग मान जाती है। पेनलुंग यूनिवर्सिटी में गन के बारे में सोच रही थी, क्योंकि आज भी उसके दिल में गन के लिए कुछ फीलिंग्स हैं। वहीं क्लब रूम में आज पोक अपने छोटे भाई को लेकर आता है। जैन पोक को कहता है अगर तुम्हें अपने भाई को रखने में कुछ परेशानी हो तो मैं अपनी मेड को मदद के लिए बुला सकता हूँ। प्ले पोक के भाई को देखकर कहता है कि मुझे लगता है कि पोक ये तुम्हारा बेटा है, तुम्हें तो अपनी बीवी को कहाँ छुपा रखा है? पोक कहता है नहीं, तुम गलत समझ रहे हो, आज मेरी मॉम बाहर चली गई है, इसलिए मुझे इसको यहाँ पर लेकर आना पड़ा। एलन कहता है अच्छा है पोक तुम इसे यहाँ ले आए, क्योंकि सब बच्चे नई चीजों को देखकर बहुत खुश होते हैं। तभी एड कहता है पर मुझे लगता है कि लेफ्ट ऑयल के साथ रहकर इस बच्चे पर गलत असर पड़ सकता है। लेफ्ट ऑयल एड की बातों को सुनकर बहुत हैरानी से उसे देखता है, और सब हंसने लगते हैं। पोक लेफ्ट ऑयल से पूछता है क्या तुमने पेनलुंग को देखा है, पर लेफ्ट ऑयल मना कर देता है। पेनलुंग गन से मिलकर बहुत परेशान थी, और आज वह यूनिवर्सिटी से जल्दी अपने घर आकर अकेले में गन के बारे में सोच रही थी। पेनलुंग की मॉम पेनलुंग को आवाज लगाकर बताती है
कि घर के बाहर एड आया है। पेलनुम एड को कहती है, तुम आज यहाँ कैसे आ गए? एड कहता है, मुझे लेफ्टोइल ने बताया कि आज तुम्हारा एक्सीडेंट हो गया है, इसलिए मैं देखने आया हूँ कि तुम जिंदा तो हो। और पेलनुम को गिफ्ट देकर कहता है, ये गिफ्ट तुम्हारे लिए जेंट ने दिए थे, नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता। पेलनुम अपने कमरे में बैठी गन की फेसबुक प्रोफाइल देख रही थी और गन को अपने फेसबुक पर ऐड कर लेती है, क्योंकि पेलनुम को उम्मीद है कि हो सकता है कि गन उसके लिए ही आया हो। गन पेलनुम को लंच के लिए रेस्टोरेंट में लेकर जाता है और पेलनुम को एक कार्ड देता है और कहता है, ये इनविटेशन तुम्हारे और ऐड के लिए है। पेलनुम कार्ड में गन की शादी की तारीख देखती है और बहुत हैरान हो जाती है। आज फिर से गन ने पेलनुम का दिल तोड़ दिया। फिर हम देखते हैं पेलनुम गन के साथ चर्च में शादी के लिए जाती है। तभी एक लड़की शादी को रोकने के लिए आती है और पेलनुम के पास आकर उसे धक्का मारकर गन से दूर कर देती है और गन के कान पर काट लेती है। पेलनुम उस लड़की को हटाने के लिए पिस्तौल तानकर उसे दूर होने के लिए कहती है और तभी पेलनुम अपने सपने से जागती है। ये सब पेलनुम अपने सपने में देख रही थी। स्पॉयल पेलनुम को क्लास में परेशान देकर पूछती है, पेलनुम तुम ऐसे क्यों बैठी हो? पेलनुम स्पॉयल को बताती है कि फिर से मेरा दिल टूट गया है और अब मैं सब कुछ छोड़कर जंगल में जाना चाहती हूँ। स्पॉयल मजाक करते हुए कहती है, ठीक है तो मैं तुम्हारे साथ चलकर जंगल में बंदर बन सकती हूँ। पेलनुम कहती है, नहीं मुझे अकेले ही जाना होगा। रात में पेलनुम की मॉम पेलनुम को बताती है कि लेफ्टोइल की मॉम बहुत बीमार है, तुम लेफ्टोइल पर थोड़ा ध्यान रखना। पेलनुम कहती है, लेकिन लेफ्टोइल ने तो मुझे कुछ भी नहीं बताया। पेलनुम लेफ्टोइल को वीडियो कॉल करती है। लेफ्टोइल पेलनुम की मॉम के बारे में पूछने ही वाली थी कि तभी लेफ्टोइल पेलनुम को क्लब रूम में मिलने के लिए बुलाता है। पेलनुम क्लब रूम में लेफ्टोइल से मिलने जाती है। लेफ्टोइल पेलनुम को कहता है कि यह टेप फट गई है, हमें फिर से इस टेप को लगाना होगा, और कहता है, क्या तुम सच में अकेले जंगल में जाना चाहती हो? पेलनुम कहती है, तुम्हें जरूर स्पॉयल ने बताया होगा। लेफ्टोइल कहता है, अगर तुम अब भी जंगल में जाना चाहती हो तो तुम इन्हें पहन लो। लेफ्टोइल पेलनुम को बाहर लेकर जाता है। पेलनुम देखती है कि क्लब रूम के सब लोगों ने पेलनुम के लिए जंगल पार्टी रखी है, जिसे देखकर पेलनुम बहुत हैरान हो जाती है। जेंट कहता है, पेलनुम तुम्हें मेरा जंगल कैसा लगा? और लेफ्टोइल पेलनुम को खींचकर अंदर ले जाता है। लेफ्टोइल सबको देखकर बहुत खुश है। एड पेलनुम को कहता है, तुम मत सोचना कि मैं तुम्हारे लिए आया हूँ, क्योंकि मुझे तो क्लब के प्रोजेक्ट के लिए बुलाया गया था। प्ले और एलन सबके खानों का ध्यान रखते हैं। जेंट कहता है कि एलन नहीं होता तो यूनिवर्सिटी टीचर हमें कभी भी यह जगह पार्टी के लिए नहीं देते। न्यू और पेलनुम कैमरे पर कुछ फोटो देख रहे थे। एलन पूछता है, ये फोटो कहाँ की है? न्यू कहता है, ये वो फोटो है जब पेलनुम की गोद में मैं सिर रखकर लेटा हुआ था। पेलनुम ने मेरी आइसक्रीम भी चखी थी। जिसे सुनकर स्पॉयल एलन और प्ले बहुत हैरान हो जाते हैं। पेलनुम को समझ नहीं आता कि वह क्या बोले तो वहाँ से उठकर चली जाती है। स्पॉयल एलन को कहती है, मुझे भी तुम्हारे साथ आइसक्रीम खानी है। एलन कहता है, लेकिन मुझे आइसक्रीम नहीं पसंद। पेलनुम एड को गन की शादी का कार्ड देती है। एड कार्ड को देखकर समझ जाता है कि पेलनुम जंगल में क्यों जाना चाहती थी। एड पेलनुम को कहता है, क्या ये कारण है कि तुम जंगल में जाना चाहती थी? क्या तुम अब तक गन को याद करती हो? पेलनुम कहती है, ऐसा नहीं है। एड कहता है, तुम्हें गन की शादी में जरूर जाना चाहिए और उसे दिखाना चाहिए तुम कितनी स्ट्रॉन्ग हो, और अगर तुम चाहती हो कि मैं तुम्हारे साथ चलूं तो मैं तुम्हारे साथ जा सकता हूं। एलन पेलनुम को अकेला देखकर उसके पास जाता है और कहता है, धुआं खांसना और प्यार कभी किसी से नहीं रुक सकता, क्योंकि एलन समझ रहा था कि धुएं को देखकर पेलनुम सबसे दूर खड़ी है। पेलनुम कहती है, मुझे समझ नहीं आ रहा तुम क्या कह रहे हो, और वहां से चली जाती है। पेलनुम लेफ्टोइल को उदास बैठा देखती है। तभी लेफ्टोइल अपने टेंट में चला जाता है। पेलनुम भी लेफ्टोइल के पीछे उसके टेंट में जाती है। पेलनुम लेफ्टोइल को कहती है कि मुझे पता है कि तुम अपनी मॉम के लिए परेशान हो। लेफ्टोइल कहता है कि मुझे पता है कि तुम्हें रोने वाले लड़के पसंद नहीं है, इसलिए मैं तुम्हारे सामने नहीं आना चाहता था, लेकिन मैं अपनी मॉम के बारे में बहुत परेशान हूँ। उनकी दूसरी सर्जरी होने वाली है, मैं उनके लिए क्या कर सकता हूँ, और रोने लगता है। पेलनुम कहती है, तुम उनके लिए दुखी मत हो। पेलनुम कहती है, तुम इतने दुखी थे फिर भी तुम मेरे लिए यहाँ आए। और लेफ्टोइल को रोने की कहकर लेफ्टोइल को अपने गले लगा लेती है। पार्टी करते हुए प्ले पूछता है कि एलन कहाँ चला गया। न्यू कहता है कि वह सोने जा चुका है। प्ले कहता है, अभी तो सिर्फ 9:30 बजे हैं। जेंट कहता है कि स्मार्ट लोग जल्दी ही सोने चले जाते हैं। पोप कहता है, जेंट क्या तुम हमें बेवकूफ कह रहे हो? तभी हम देखते हैं कि कोई एलन के टेंट में जाता है, और थोड़ी देर बाद एलन टेंट से बाहर आकर पूछता है कि कौन मेरे टेंट में आया था। पॉक एड, क्या तुम मेरे टेंट में आए थे? एड कहता है, क्यों तुम क्यों पूछ रहे हो?
एलन दिखाता है कि किसी ने एलन पर लिपस्टिक के होठों के निशान लगा दिए हैं। सब एलन को देखकर बहुत हंसते हैं। एलन कहता है, प्ले ये जरूर तुम होगे। प्ले कहता है, नहीं ये मैं नहीं हूँ। एलन प्ले के होठों पर लिपस्टिक देखकर कहता है, नहीं ये तुम ही हो। प्ले ने ही एलन की टेंट में जाकर लिपस्टिक के निशान लगाए थे और फोन पर फोटो भी ले ली थी। प्ले सबको फोन पर एलन की फोटो दिखाता है। एलन प्ले के पीछे फोटो को डिलीट करने के लिए भागता है। अब सब लोग तारों को देखने के लिए लेट जाते हैं। लेफ्ट ऑयल पेनलुम को आज के लिए थैंक्स कहता है। पेनलुम भी अपने क्लब के सब मेंबर्स को आज की जंगल पार्टी के लिए थैंक्स कहती है। एलन तारों को देखते हुए सबको बताता है कि ये प्लेडीज हैं, जो सात बहनें भी मानी जाती हैं। ये सातों तारे धरती के बहुत करीब हैं। न्यू पूछता है, पेनलुम इन सातों तारों में तुम्हें कौन पसंद है? पेनलुम कहती है, मुझे नहीं पता, लेकिन इनमें से अगर एक तारा भी कम हो जाए तो ये अच्छा नहीं लगेगा। और सब लोग तारों को लेटी हुई देखते हैं। ये सातों लड़के भी क्लब रूम में प्लेडीज की तरह हैं। अगर इनमें से एक भी अलग हो जाए तो ये पहले जैसे नहीं रहेगा। तो दोस्तों आज के लिए सिर्फ इतना ही। आगे मिलते हैं एपिसोड 8 में। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए।